सत श्री अकाल। साहित्यक सत चैनल ते आप जी का स्वागत। मैं हाँ हरमीत कौर। अज की क्लास में असी बाबा फरीद जी के कुछ होर श्लोक जो हैं उन्हां दी प्रसंग सहित व्याख्या करन जा रहे हैं। पहला श्लोक है, जा कुआरी ता जाओ विवाही ता मामले। बाबा फरीद जी ने इस श्लोक दे राही मनुख मातर नू संदेश दिंदे हुए फरमाया है कि हे मनुख, तेरी स्थिति जो है इस संसार दे विच उस कुआरी कुड़ी वर्गी है, उस कुआरी लड़की वर्गी है जिस दे मन दे विच व्याह दा बड़ा चाओ हुंदा है। क्यों हुंदा है? क्योंकि वो यही समझदी है कि व्याह दा मतलब जो है एक खुशियां भरे जीवन दा आगाज़ होना ही है, क्योंकि उसके मन के बहुत वड्डा परम या भुलेखा हुंदा है। कारण क्योंकि विवाह दा जीवन जो है वो एक तरह के नाल जिम्मेवारियां दे वध जाण दा संकेत है। कुवारी तो चाहो, क्योंकि जो कुवारी आजीव आत्मा है उसनू व्याह दा बड़ा चा है। जदों व्याही जाती है तो मामले, क्योंकि जिम्मेवारियां दे भार थले अजिही दब जाती है कि उसका सारा चा जो है व्याह दे प्रति वो खिंड पुण जाता है। फरीदा यह पछताओ वत कुवारी ना थी है, बाबा फरीद जी कह रहे हैं। तो फिर उसकी जिंदगी दे विच एक पछतावा रह जाता है कि उसने अजिहा क्यों सोचा, क्योंकि हुण वापस जो है वो कुवारी उस अपने पहले जीवन दे विच परत नहीं सकती, क्योंकि अपनियां जिम्मेवारियां जो हैं जिंदगी दे प्रति उसनू निभाउणा उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसी तरह बाबा फरीद जी कह रहे हैं कि हे मनुख, तैनू भी जो है इस संसार दे उत्ते रुखसत कर जाम तो बाद जो है वापस इस संसार दे विच परतना उन्ना ही नामुमकिन हो जाएगा जिस तरह कुवारी कुड़ी दे लई व्याह तो बाद अपने पेके घर दे विच उस तरह का जीवन मानना जो है वो वाजिब नहीं रह जाता। हे मनुख, भाव इस संसार दे विच रहिंदिआं वक्त रहिंदिआं तू अपने शुभ कर्म नेक कर्म जिहड़े हन वह कर, क्योंकि जदों इस संसार तो रुखसत कर गया फिर तैनू पछतावा रहेगा कि इस संसारिक कर्म भूमि ते रहिंदिआं कोई शुभ कर्म क्यों नहीं किते। फिर तू वापस इस संसार ते परतना चाहेगा तो तेरे लिए वो संभव नहीं हो सकेगा। ठीक उस तरह ही जिस तरह कुवारी कुड़ी का विआह तो बाद जो है अपने पेके घर दे संसार दे विच उसे तरह की जिंदगी जीना जिहड़ा है नामुमकिन हो जाता है। फरीदा बेनवाजा कुत्तिया ए ना भली हरीत। बाबा फरीद जी ने मनुख नू बेनवाजा, भाव जो शरई मुसलमान है, जो सच्चा मुसलमान है, शरा दे अनुसार एक मुसलमान दे लई पंज वक्त की नमाज़ अदा करना बहुत ही जरूरी है। तो एक शरई मुसलमान जो पंज वक्त की नमाज़ अदा नहीं करता उसके लिए बाबा फरीद जी कह रहे हैं कि हे मुसलमान, हे इंसान, हे मनुख, तेरी स्थिति तो एक कुत्ते दे समान है, क्योंकि ये भली रीत नहीं है। केड़ी? जो तू एक सच्चा मुसलमान होने दे सदका जो तैनू निभानी चाहिए है, भाव पंज वक्त की नमाज़ अदा करनी चाहिए है। तेरा ये पहला फर्ज है, तेरा पहला धर्म है, और शरा अनुसार ये एक पक्का नियम है तेरे जीवन का, जो कि तू इसकी पालना नहीं कर रहा, ये चंगी गल नहीं है। ये गल किवें चंगी नहीं है? क्योंकि कभू चल न आया पंजे वक्त मसीत, क्योंकि कदे भी तू चल के पंजे वक्त सही वक्त ते मसीत दे विच नहीं पहुँचया नमाज अदा करन दे लई। और ये एक मनुख होन दे नाते तू अपना जो फर्ज है वह नहीं निभा रहा। एक सच्चा मुसलमान होन दे नाते जो तेरा एक धार्मिक अकीदा है, धार्मिक रौ रीत है, कर्म है, उसते तू पूरा नहीं उतर रहा। तो इस नाल इस करके जो कवि जो है अजिहे मुसलमान नू जो है कुत्ते दे नाल तुलना दे रहा है, भाव तेरे ते उस जानवर दे विच फिर कोई फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि जानवर दे उत्ते कोई नियम कानून लागू नहीं हुंदा, पर तू एक मनुख होने दे नाते जो शरा ने नियम थापे हन उन्हां दे अनुसार जेकर नहीं चल रहा तां तेरे लिए ये चंगी गल नहीं है। भाव बाबा फरीद ने एक सच्चे मुसलमान नू, एक शरई मुसलमान नू जो है धार्मिक कदरां कीमतां दा पालन करन दे लई प्रेरित कीता है। उठ फरीदा ऊज साज सुबह निवाज गुजार। फिर बाबा फरीद जी फरमा रहे हैं कि उठ फरीदा,
कि हे मनुख उठ, ऊज साज, ऊज तो भाव है इशनान पानी कर, तड़के सवेरे उठ के इशनान पानी कर, मुँह तो सुबह ते सवेर दी नमाज गुजार, सवेर दी नमाज अदा करन दा जो वक्त हो चुका है, इसलिए हे मनुख नींदर नूं त्याग, सुचेत हो जा, उठ के हाथ मुँह धो, अपनी जो है सुस्ती नूं ला के जागरूक हो के सवेर दा वक्त जो है अमृत वेला परमात्मा दे प्रति नतमस्तक होण दा वक्त है, इस वक्त दा लाहा लै, जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार। फिर वह कह रहे हैं कि जिहड़ा मनुख बे ना शुकरा है, भाव इस मनुखा जामे दे विच आ के, इस जीवन दे विच आ के उस प्रभु दे दर ते, उस कादर अगे, उस कुदरत अगे न्योंदा नहीं, विनम्र नहीं हुंदा, अपने इस मनुखा देह दा इन्हां दुनियावी नियामतां दी प्राप्ति दा जो है शुकराना नहीं करदा, उस सिर नूं तां कप भाव वढ के दूर सुट देना चाहीदा है। भाव जो मनुख मनुख होण दे नाते अपने मनुखा धर्म नूं नहीं निभा रहा, इस संसारिक जीवन दे विच आ के उस कादर दे, उस कुदरत दे प्रति शुकराने वजों झुकदा नहीं या उसनूं नतमस्तक नहीं हुंदा, उस सिर नूं तां धड़ नालों अलग कर देना चाहीदा है। जो सिर साई ना निवै सो से सिर कीजै काए। फिर वह कह रहे हैं कि जिहड़ा इन्हां समझाउण दे बावजूद भी जिहड़ा मनुख जो है साई दे अगे, मालिक दे अगे, उस प्रभु, उस कादर, उस कुदरत दे अगे निवदा नहीं, उसकी जो हकूमत है उसनों जो है स्वीकार नहीं करता, से सिर कीजे काए, उस सिर दे नाल की करना चाहिए है। भाव अजिहे मनुख का की इलाज है। शरा दे अनुसार वह कह रहे हैं कि कुन्ने हेठ जलाइए बालन संदै थाए। अजिहे मनुख का शरीर जिहड़ा है वह मनुख होण दे लायक ही नहीं है, अजिहा मनुख जिहड़ा है हड्डियां दी मुठ मात्र है। भाव अजिहे मनुख नूं तां कुन्ने हेठ भाव अग जला के जिहड़ा कुन्ना उसके उत्ते जिहड़ा देगा रखिया होया है उसके हेठां जो है बालन की थां ते अजिहे मनुख दे शरीर नूं साड़ देना चाहिए है। भाव जो विनम्र नहीं है, जिहड़ा रब्बी जो दरगाह है उसके प्रति जिसके मन दे विच कोई शुकराने के भाव नहीं हन, मनुखा दे और दुनियावी नियामतां प्राप्त करन दे बावजूद भी जिहड़ा मनुख जो है उस कादर अगे, उस इलाही जोत नूं सजदा नहीं करता, उसकी अधीनगी स्वीकार नहीं करता, अजिहा मनुख मनुख होण दे लायक ही नहीं है, उसका शरीर तां बालन की थां जो है कुन्ने दे हेठ साड़ के खत्म कर देना चाहिए है। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। बाबा फरीद जी कह रहे हैं कि हे मनुख तेरा मनुख होण दा धर्म की होना चाहिए है कि बुरे दा भला कर, भाव जिहड़ा कोई तेरा बुरा भी करता है उसके प्रति भी तेरे मन दे विच चंगे भाव ही पैदा होने चाहिए हैं, बुरे दा भी तैनू भला ही करना चाहिए है, गुस्सा मन ना हंडाए, क्योंकि तू बुरे मनुख दे बुरे कर्मों के प्रति अपने मन दे विच किसी तरह का गुस्सा ना पैदा कर, क्यों देही रोग ना लग गई पल्ले सब किस पाए, क्योंकि सारियां सच्चाइयां दी इको ही मूल है, जड़ है कि देही रोग ना पा लग गई, कि जेकर असी गुस्सा करते हाँ मन दे विच ईरखा दे द्वेष दे भाव जो हाँ रखते हाँ उस मनुख दा जो है सब तो वड्डा नुकसान अपना ही हुंदा है, उसकी अपनी देह नूं जो है रोग लग जाते हैं, भाव चिंता या गुस्सा जो है चिखा दे बराबर है। इसलिए बाबा फरीद जी कह रहे ने कि तू बुरे शख्स दा भी कदे बुरा ना सोच, सगो उसका भला कर, इसका तेनों ही फायदा होएगा। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लग गई पल्ले सब कुछ पाए, क्योंकि जे तेरा इस संसार दे विच जो देह है वह निरोग है, काया निरोग है, देह नूं शरीर नूं कोई रोग नहीं है, तो ये तेरी सब तो वड्डी प्राप्ति है, तेरी देह दा निरोग होना ही तेरे लिए एक वरदान है, क्योंकि निरोग काया ही इस संसार दे विच कोई भी काज कर सकन दे समर्थ हो सकती है। इसलिए तू बुरे का भी भला कर, कभी मन दे विच बुरे ख्याल नैगटिविटी ना आने दे, नकारात्मक सता विचार या ना पक्षी ख्याल पैदा ना होने दे, क्योंकि अजिहा करन दे नाल तेरा अपना ही नुकसान होएगा, भाव तेरी देह नूं अनेक प्रकार के रोग लग जाएंगे, ते जेकर तू इन्हां चीज़ों तो मुक्त हो जाएगा भाव बुराई तो
ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰੱਖ ਲਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਦਾਨ ਸਮਤਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ। ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੂਪੀ ਜੋ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਨਾ ਆਪਸੀ ਦੋਜਕ ਸੰਧੀ ਪਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼, ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਜਕ ਭਾਵ ਨਰਕ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਨਰਕ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਦੋਜਕ ਭਾਵ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਚੈਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਖੁੰਡ ਕਾਗ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਨ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਕਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਗ ਭਾਵ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੰਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੁ ਰੱਬ ਨਾ ਬੌੜਿਓ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਵ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਭਾਵ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀ ਥੁੱਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਲ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਅੰਤ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤਲੀਆਂ ਚੁੰਡ ਰਹੇ ਕਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਤਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੁ ਰੱਬ ਨਾ ਬੌੜਿਓ ਵੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗ ਨੇ, ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੂੰਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਲਿਖਾਏ ਸਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਟਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋਇਓ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਟਡੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਕਾਗਾ
तू ये मेरा सारा करंग जो है चूंड लिया है, टंडोल लिया है, सारे शरीर दे विच्चों मांस दा एक एक कण जो है चुन लिया है, सारा मांस सगला खाया मांस सारा ही मांस तू चुंड चुंड के खा गया है, ये दोए नैणा मत छूयो। फिर वो काग नू संबोधित हुंदे हुए कह रहे हैं कि हे कागा, ये दो जो दो मेरे नैण हैं, दो अखां हैं, इन्हां नू तू बिल्कुल भी छूई ना पाव, इन्हां नू छेड़ी ना, फिर देखण की आस, इन्नी निटाणी अवस्था दे विच भी पाव इन्ना कुछ वापर जाण दे विच भी, ना खुशगवार परिस्थितियां दे विच भी बाबा फरीद जी जो ने उस जिंदगी दे प्रति इन्ने आसवंद ने, उन्हां नू लगता है कि अजे भी मेरी कामना मन की पूरी होगी कि मैनू वो प्रभु वो प्रीतम वो परमात्मा वो इलाही जोत जो है दीदार जरूर देवेगी। मन दे विच एक आस है, कहिंदे ने कि आस है तो जहान है, आस नाल ही जहान हुंदा है। जेकर मनुख आसवंद है तो उसके जिंदगी दे विच हर चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बाबा फरीद जी जिंदगी के आखिरी पड़ा ते भी इन्ने आसवंद ने कि काग नू संबोधित होए हुंदे होए कह रहे ने कि मेरे दो नैण जड़े हन इन्हां नू तू ना छेड़ी, क्योंकि मेरे मन दे विच अजे भी एक आस है कि परमात्मा इन्हां नैणां दे राही मैनू दीदार देण दे लई जरूर हाजिर होएगा। एक फिक्का ना गलाए सबना मैं सच्चा तणी, बाबा फरीद जी कह रहे ने कि हे मनुख, इस संसार दे उत्ते आके एक फिक्का ना गलाए पाव, कदे भी किसी नूं कोई फिक्का कौड़ा वचन जिहड़ा है जो किसी दे मन नूं चुभदा होवे, जो दुखी करदा होवे, अजिहा ना बोलिया जाए। क्यों? सबना मैं सच्चा तनी, क्योंकि कहा जाता है कि परमात्मा जिवें कण कण दे विच कहा जाता है कि वसदा है। सो बाबा फरीद जी कह रहे हैं कि जेकर परमात्मा कण कण दे विच वसदा है तो सबना मैं सच्चा तनी कि हर मनुख दे हिरदे विच भी वो परम जोत जिहड़ी है वो इलाही जोत विराजमान है। हे आहो न कही ठाए माणक सब अमोल में, इसलिए इस धरती दे उत्ते अजिही कोई भी थां नहीं है जिथे उस प्रभु दा वास ना होवे। इसलिए किसी नूं भी कदे कोई बुरा या फिक्का वचन ना बोलिया जाए, क्योंकि सब माणव जो मनुखी जीव हन सब बड़े माणक मोती जिहे कीमती जीव हन इस दुनिया उत्ते, अमोलक हन, क्योंकि सब मनुखां दे हिरदियां विच भी उस इलाही जोत दा उस खुदा दा वास है। इसलिए कदे किसी नूं भी कोई कौड़ा वचन या बुरा वचन ना कहा जावे कि किसी दे हिरदे नूं ठेस पहुँचे, क्योंकि उस हिरदे दे विच जो है उस मनुख नूं नहीं, उस मनुख दे हिरदे दे विच वसदे होए उस कादर नूं उस कुदरत नूं जो है भी ठेस पहुँचदी है। इसलिए मनुख नूं सुचेत हो के कदे भी किसी दे बारे बुरा नहीं बोलना चाहिदा। सबना मन माणिक ठाहण मूल मचांगवा, बाबा फरीद जी फरमा रहे ने कि सबना मन माणिक ठाहण मूल मचांगवा, भाव हे मनुख सबना सब जीवां दे इस धरती दे जिन्ने भी जीव हन सबना दे हिरदे जिहड़े हन वो माणिक समान बहुत कीमती हन। क्यों कीमती हन? क्योंकि सब दे हिरदे दे विच उस इलाही जोत दा वास है। ठाहण मूल मचांगवा, ठाहण तो भाव है, इसलिए किसी दा दिल जिहड़ा है वो कदे तोड़ना नहीं चाहिए। मूल भाव मूलों बिल्कुल भी किसी दे दिल नूं बुरे शब्द कह के दुखी नहीं करना चाहिए। मचांगवा तो भाव किसी दे चंगा नहीं है, भाव किसी दे दिल नूं तोड़ना किसी दे दिल नूं हिरदे नूं ठेस पहुँचाना चंगी गल नहीं है। क्यों? क्योंकि सब मनुखां दे हिरदे जिहड़े हन माणिक मोती समान कीमती हन। कीमती क्यों हन? क्योंकि इन्हां दे विच उस कादर दी उस कुदरत दी जो है ठाहण है, भाव वो वसदा है, इत्थे ठौर है, भाव इन्हां दिलां दे विच प्रभु वसदा है। जे तो प्रिया दी सिख, इसलिए हे मनुख जे तेरे हिरदे दे विच उस प्रिया उस प्रभु उस प्रीतम प्यारे नूं पाउण दी इक सिख है, चाह है, कामना है, इच्छा है, हियाओ ना ठाहे कहीदा, तां फिर हियाओ भाव किसे दा दिल कदे नहीं तोड़ीदा कि हे मनुख जे तू उस रब्बी जोत नू उस खुदा नू उस कादर नू उस कुदरत नू पाउणा चाहुंदा है
ਉਸਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਦਾ। ਠਿਆਉ ਨੇ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ, ਹਿਆਉ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿਰਦਾ, ਠਾਹੇ ਭਾਵ ਤੋੜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਵ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।